गुरु गोविंद सिंह की माता गुजर कौर एवं चार साहिबजादों को समर्पित शहीदी समागम कथा का आयोजन जटाशंकर गुरुद्वारे में किया गया, जिसके संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने बताया कि सिख धर्म में यह महीना शहादतों का महीना मनाया जाता है तथा इसी हफ्ते में गुरु गोविंद सिंह की माता गुजर कौर व चार साहिबजादों की शहीदी हुई है, जिनकी याद में गुरुद्वारे में शहीदी समागम कथा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि अमृतसर से आए शहीदी समागम में विश्व प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रजीत सिंह ने लोगों को कथा सुनाया। ऐसे शहीद की कथा कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने चार साहिबजादों को अपने सामने शहीद करवाया, जिसको देखते हुए शहीदी सप्ताह मनाया गया है, जिसका समापन मंगलवार को हुआ। इस अवसर पर तेजिंदर सिंह, धर्मपाल सिंह, राजू, चरणप्रीत सिंह, मोटू, कुलदीप सिंह, नीलू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, Thank you.
पाल सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। ये पूज का महीना चल रहा है, इस महीने में सिख धर्म में बहुत शहादतें हुई हैं। ये पूरा महीना ही शहादतों का महीना मनाया जाता है और इस हफ्ते तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी और उनके चार साहबजादों की शहीदी हुई है। चारों साहबजादों को बहुत तसीहे देने के बाद उनकी शहीदी हुई है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर शहीदी पर्व बलिदान दिवस मनाते हैं। उसी कार्यक्रम में ये आयोजित है जटाशंकर गुरुद्वारे में और इस समय यहाँ पर बाहर से काफ़ी रागी जत्ते और प्रचारक आए हुए हैं, उनका कीर्तन चल रहा है। भाई इंद्रजीत सिंह जी समय कीर्तन कर रहे हैं, भाई सुच्चा सिंह इसके बाद कीर्तन करेंगे और भाई रंजीत सिंह इसके पहले कथा विचार कर चुके हैं। तो ये शहादतों का महीना है, ऐसी शहादतें दुनिया भर में कहीं भी मिसाल नहीं मिलेंगी, जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने एक बाप ने अपने चारों बच्चों को अपनी आंखों के सामने शहीद करवाया हो। चारों बच्चों को बहुत भयानक तस्वीर देकर शहीद किया गया था, उनकी माता जी भी को संभालते हुए ना हुए वो भी शहीद हो गई थी, इसीलिए शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है। यहाँ गोरखपुर में शहीदी पखवाड़ा मनाया गया है, आज हमारे कार्यक्रम का समापन हो रहा है।